बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक्सपेरिमेंट जो हमारा है वो है अबाउट द प्रेगनेंसी टेस्ट। प्रेगनेंसी टेस्ट हम कब और क्यों करते हैं? जब कोई फीमेल ये देखना चाहती है कि वो प्रेग्नेंट है कि नहीं, तो इसके लिए एक टेस्ट किया जाता है जिसको हम प्रेगनेंसी टेस्ट कहते हैं। प्रेगनेंसी टेस्ट में हम एक हार्मोन्स डिटेक्ट करते हैं कि ये हार्मोन्स यूरिन या ब्लड में प्रेजेंट है कि नहीं। ये प्रेगनेंसी टेस्ट हम ब्लड से भी कर सकते हैं और यूरिन से भी कर सकते हैं। इस हार्मोन्स का नेम जो है ये है HCG। जब फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो बनता है तो उस पर एक मेम्ब्रेन होता है और इस मेम्ब्रेन को प्लेसेंटा कहते हैं, और यह प्लेसेंटा HCG हार्मोन्स को सिक्रेट करता है, और यह हार्मोन ब्लड में शामिल होता है। जब इसकी मकदार बढ़ जाए तो यह किडनी के जरिए सिक्रिएशन करता है और HCG यूरिन में आ जाता है। ये हार्मोन्स हम ब्लड में कब डिटेक्ट कर सकते हैं और यूरिन में हम इसको कब डिटेक्ट कर सकते हैं? ये हार्मोन्स ब्लड में, यानी HCG हार्मोन्स अगर ब्लड के सीरम में 5 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर ml के बराबर हो जाए तो हम ब्लड में इसको, इस HCG हार्मोन्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, और यूरिन में अगर 25 मिली यूनिट यानी मिली इंटरनेशनल यूनिट पर ml हो जाए तो हम इसको यूरिन में डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके 2 मेथड है, एक डायरेक्ट मेथड होता है इस टेस्ट का और एक इनडायरेक्ट मेथड होता है। तो हम आज डायरेक्ट मेथड, जो ICT मेथड है यानी स्ट्रिप मेथड को हम आज डिटेल से पढ़ते हैं। तो ये मैंने ड्रा किया है 3 स्ट्रिप्स यानी 3 प्रेगनेंसी स्ट्रिप्स, जिसको अगर हम देख लें पार्ट्स ऑफ द प्रेगनेंसी स्ट्रिप, दिस इज द होल्डिंग एरिया, दिस इज द टेस्टिंग एरिया एंड दिस इज द डिपिंग एरिया। होल्डिंग एरिया, होल्डन रीजन, टेस्टिंग रीजन एंड डिपिंग रीजन। जब हम यूरिन का सैंपल लेते हैं तो हम इस स्ट्रिप को मैक्सिमम इस लाइन तक डिप करते हैं। इसका वीडियो हम लास्ट में देखेंगे कि हम किस तरह इसको डिप करते हैं। इसमें लाइनें आ जाती हैं, कंट्रोल लाइन, टेस्ट लाइन एंड एनवेलप्ड। लेकिन ये लाइन एंड HCG ब्लड और यूरिन में क्यों आता है? क्वेश्चन मार्क बनता है। जब ओवा यानी फीमेल की ओवा और स्पर्म यानी मेल की स्पर्म की फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो इसके 8 दिन बाद या 3 वीक मंथली पीरियड के बाद हम ये हार्मोन्स डिटेक्ट कर सकते हैं। यानी ब्लड में हम फर्टिलाइजेशन के आफ्टर 3 वीक हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं ब्लड में, क्योंकि मंथली पीरियड के 14 दिन के बाद आफ्टर 14 डेज ओवर रिलीज होती है
और फ्लोपेन ट्यूब में आ जाता है। यानी बीमारी के 3 वीक के बाद हम HCG को ब्लड में डिटेक्ट कर सकते हैं। यूरिन में 5 वीक के बाद हम डिटेक्ट कर सकते हैं। HCG लेवल फर्टिलाइजेशन के 1 वीक to 10 वीक तक ये इंक्रीज होता है ब्लड और यूरिन में। अब आ जाते हैं हम स्ट्रिप की तरफ कि जब ही हम इसको यूरिन में डीप करते हैं तो इसका अपना एक फिक्स टाइम होता है नॉर्मल। इसको हम यूरिन में 5 to 10 सेकेंड तक यूरिन में डिप करते हैं और उसके बाद हम रख लेते हैं और 5 मिनट तक वेट करते हैं। आफ्टर 5 मिनट हम रिजल्ट को इंटरप्रिटेशन करते हैं, यानी इंटरप्रेट करते हैं। रिजल्ट की टेस्ट की इंटरप्रिटेशन हमारे पास आएगा या तो नेगेटिव, या आएगा पॉजिटिव, या आएगा इनवैलिड। तो चलते हैं स्ट्रिप की तरफ। जब इस स्ट्रिप को हम यूरिन में डीप करते हैं 10 सेकेंड तक तो इसमें 2 लाइनें आ जाती हैं। एक भी आ सकता है, 2 भी आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको हमने यूरिन में डीप कर दिया, दिस इज द यूरिन सिंपल। इसमें हमने यूरिन को मैं डीप कर दिया इसको, तो कैपिलरी एक्शन के जरिए ये यूरिन ऊपर चला जाएगा। तो यहां पे एक लाइन बनेगा जिसको हम कहते हैं कंट्रोल लाइन। क्यों बनता है और टेस्ट लाइन क्यों अपीयर होता है? 2 लाइनें हमें आएंगी, एक भी आ सकता है, 2 भी आ सकते हैं। दिस इज द कंट्रोल लाइन। वाई का क्वेश्चन है कंट्रोल लाइन, एक होता है कंट्रोल लाइन और एक होता है टेस्ट लाइन। टेस्ट लाइन या रिजल्ट लाइन, वाई क्वेश्चन है, ये पूछता है। जब ही हम स्ट्रिप को यूरिन में डीप करते हैं तो यूरिन किपली रिएक्शन के जरिए ऊपर जाता है। ये टेस्ट लाइन के एरिया में, ये सुन ले स्टूडेंट, इस एरिया में, टेस्ट एरिया में कंपनी वालों ने ओनली एंटीबॉडी कोटेड किया है, ये बात याद रख ली। पूछता है ये वाइबा, टेस्ट लाइन के एरिया में कंपनी वालों ने कोटेड किया है क्या जी? एंटीबॉडी। यहां पे ओनली एंटीबॉडी है और कंट्रोल लाइन के एरिया में कंपनी वालों ने बोथ एंटीजन प्लस एंटीबॉडी बोथ कोटेड किया है। दोबारा सुन ले स्टूडेंट, कंट्रोल लाइन के एरिया में कंपनी वालों ने एंटीजन एंटीबॉडी बोथ कोटेड किया है। इसे ओनली लिक्विड चाहिए, वाटर है, नेगेटिव फ्लूइड है, पॉजिटिव है, इसके लिए ओनली लिक्विड चाहिए। तो एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन होगी और कंट्रोल लाइन अपीयर होगा। नंबर सेकेंड, टेस्ट लाइन के एरिया में कंपनी वालों ने ओनली एंटीबॉडी कोटेड किया है। अब अगर यूरिन में एंटीजन यानी HCG अगर प्रेजेंट है तो ये एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट करके टेस्ट लाइन अपीयर हो जाएगा। दोबारा रिपीट करता हूं, कंट्रोल लाइन के एरिया में कंपनी वालों ने
बोथ एंटीजन एंटीबॉडी कोटेड किया है, लिक्विड आया, रिएक्शन हो जाएगा एंटीजन एंटीबॉडी का और कंट्रोल लाइन आ जाएगा। टेस्ट लाइन के एरिया में कंपनी वालों ने ओनली एंटीबॉडी कोटेड किया है। अगर यूरिन में एंटीजन HCG प्रेजेंट है तो वो एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट कर लेगा और ये लाइन अपीयर होगा। और अगर यूरिन में HCG यानी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो टेस्ट लाइन अपीयर नहीं होगा। तो इसको हम कह सकते हैं कि अगर बोथ है तो ये टेस्ट पॉजिटिव है, बोथ लाइन है तो टेस्ट इज पॉजिटिव। यूरिन में हमने डिप किया, इसमें HCG प्रेजेंट नहीं है तो ओनली कंट्रोल लाइन अपीयर होगा, ओनली कंट्रोल लाइन अपीयर होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे बोथ कोटेड है एंटीजन एंटीबॉडी, तो हमारा टेस्ट जो होगा वो नेगेटिव, प्रेगनेंसी टेस्ट इज नेगेटिव। थर्ड नंबर देखते हैं, ओनली टेस्ट लाइन आया कंट्रोल लाइन नहीं आया तो क्या हो सकता है? अरे HCG तो प्रेजेंट है, टेस्ट लाइन है, कंट्रोल लाइन नहीं है, क्या हो सकता है? वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या होगा? ये टेस्ट इनवैलिड कैसे हो सकता है जी? ये हमारा स्ट्रिप जो है ये खराब है, ये स्ट्रिप या तो एक्सपायर है वन नंबर, सेकंड या तो हमने इसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो टेम्परेचर हमने प्रोवाइड नहीं किया, इनको टेम्परेचर में हमने नहीं रखा, रिक्वायर्ड टेम्परेचर जो है उसमें हमने नहीं रखा। नंबर थर्ड, या कंपनी वालों ने डिस्पेंसिंग के वक्त मैन्युफैक्चरिंग के वक्त यहां कुछ मिस्टेक हो चुका है जिसमें टेस्ट लाइन है लेकिन कंट्रोल लाइन नहीं है। रिपीट करता हूं, इनवैलिड उस वक्त आ सकता है जब हमारा स्ट्रिप या एक्सपायर हो या खराब हो, ये दो बातें हो सकती है। या खराब कैसे हो सकता है? इसको हमने जो टेम्परेचर चाहिए वो हमने टेम्परेचर में नहीं रखा, या कंपनी वालों ने मैन्युफैक्चरिंग के वक्त डिस्पेंसिंग के वक्त उसे यहां एंटीजन एंटीबॉडी में कुछ मिस्टेक हुआ है, इसी वजह से ये इनवैलिड आ रहा है। अब बात करते हैं फॉल्स पॉजिटिव की, कि क्या ये टेस्ट ओनली प्रेगनेंसी में ही हम एडवाइस करते हैं या कुछ और पैथोलॉजी कंडीशन है जिसमें ये टेस्ट एडवाइस किया जा सकता है जी? अगर हम देख लें पॉजिटिव तो क्या ये ओनली प्रेगनेंसी में हो सकता है? क्या ये ओनली फीमेल में पॉजिटिव हो सकता है या मेल में भी? नहीं बोला जी, ये मेल में भी पॉजिटिव हो सकता है, कुछ पैथोलॉजी कंडीशन है। क्या कंडीशन हो सकता है? नहीं बोला जी, वेरी गुड। कोई एक बंदा ड्रग्स ले रहा है जिसमें HCG प्रेजेंट है, फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट उस वक्त आ सकता है जब कोई पेशेंट ऐसा ड्रग्स ले रहा है जिसमें HCG प्रेजेंट है। HCG जो है ट्यूमर मेकर, दिस इज द ट्यूमर मेकर, फॉल्स पॉजिटिव फीमेल में अगर ब्रेस्ट कैंसर है, ब्रेस्ट ट्यूमर है तो उसमें भी पॉजिटिव हो सकता है। मेल में टेस्टिस की, मेल में भी टेस्टिस की ट्यूमर में या टेस्टिस कैंसर में भी
ये पॉजिटिव आ सकता है, जो हार्मोन्स एचसीजी हार्मोन्स को सिक्रिएट करता है, ऐसे कुछ पैथोलॉजी कंडीशन में तो ये मेल की भी पॉजिटिव हो सकता है। तो आइए चलते हैं अभी, दिस इज द स्ट्रिप्स, टू स्ट्रिप, दिस इज द होल्डिंग एरिया, दिस इज द टेस्ट एरिया एंड दिस इज द डीपिंग एरिया। फर्स्ट ऑल डीप करते हैं ए में, 5 to 10 seconds तक डीप करना है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब हमने रखना है दिस द वन ए एंड दिस इज द सेकेंड स्टेप, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। अब हमने रखना है इसको यहां पे। अभी इसमें आ गया कंट्रोल लाइन, अभी इसमें ओनली कंट्रोल लाइन है जो हमने अभी पढ़ा, उसमें देखते हैं कि वन लाइन आता है या टेस्ट लाइन एंड कंट्रोल बोथ आते हैं। द ए वन इज नेगेटिव, ओनली कंट्रोल लाइन है, टेस्ट लाइन नहीं है। जब हम डीप करते हैं 10 सेकेंड तक, 5 to 10 seconds, तो वेट करते हैं रिजल्ट के लिए 5 मिनट। जी देख ले, ए वाले में ओनली कंट्रोल लाइन है, टेस्ट लाइन नहीं है, इट मींस कि ए वाला सैंपल इज नेगेटिव एंड द बी वाले को अगर हम देख लें तो टेस्ट लाइन अपीयर हुआ एंड कंट्रोल लाइन भी अपीयर हो रहा है। इट मींस द बी वन इज पॉजिटिव, बी वाले की जो सैंपल है यूरिन सैंपल, ये प्रेग्नेंट फीमेल की सैंपल है, और ए वाला जो सैंपल है वो नेगेटिव है, इसकी प्रेगनेंसी नेगेटिव है, ए वाली की प्रेगनेंसी नेगेटिव है एंड बी वाली की प्रेगनेंसी पॉजिटिव है। ये मेथड था आईसीटी स्ट्रिप मेथड का। वीडियो पसंद हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।